नहीं ये ब्लेंड कब होगा, ये ब्लेंड होते 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 शादी की मुहूर्त निकल जाएगी, मेरे हस्बैंड को किसी और के साथ शादी करवा देंगे लोग, मैं जाऊंगी तब देखेंगे सब कुछ खत्म हो गया, फिर मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, मेरे सारे दांत गिर जाएंगे, उसके बाद भी ये ब्लेंड नहीं होगा। हो गया, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज ना इसको साफ कर दीजिए। वो तुम्हें बोलते बातें है, थोड़ा टाइम पास करा लेगा ना। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा साफ करने में, हो जाएगा आई थिंक। Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ आफरीन और ये है रेशमा। Hi. So guys, हम लोग आज जा रहे हैं एक जगह पे मेकअप करवाने के लिए, ऑलमोस्ट आ गए हैं एंड मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कितना आवाज आ रही है। So मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो जो लेडी है उसका नाम बहुत ही रोशन है, इतना खराब मेकअप करती है, मैंने उनका काम देखा है ऑलरेडी। So yes guys, मैं आज वहाँ पे जा रही हूँ और सामान जो है मैंने सब कुछ ले लिया है। So मैं वहाँ पे जाके आप लोगों से मिलती हूँ। बाय। सो गाइस, अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ और अच्छे से सेट हो गई हूँ और अभी शुरू होने वाला है इनका भूतिया मेकअप। सो अभी वो एक वाइप से मेरी पूरी फेस को कर रही है साफ, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यार से। सो अभी वो अप्लाई कर रही है फेयर एंड लवली कोल्ड क्रीम, और इस कोल्ड क्रीम को अप्लाई करने के बाद मेरी जो फेस है वो परमानेंटली कोल्ड हो जाएंगे एकदम। अगर एक पीछे पर्दा लगा देते ना तो अच्छा होता, मैंने तो आपको कहा था ना वीडियो बनाऊंगी। थोड़ी ना मैंने कहा था कि अपने एक जमीन जायदाद मेरे नाम पे कर दो, एक पर्दा ही तो मांगा था, वो भी ना कर दिया। एक्चुअली ना मैं तो वीडियो बना रही हूँ ना, तो एक्चुअली शादी में तो मैं अभी खुद का वीडियो बना रही हूँ, हम ना इतना ज्यादा कुछ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि अभी वो कैमरा मैन ये वो ऐसे नहीं कर रहे, शादी बहुत ही ना छोटे तरीके से कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं खुद वीडियो बना रही हूँ। अगर पर्दा होता पीछे तो वीडियो देखने में अच्छा लगता, इसीलिए बोल रही थी, बट ठीक है कोई बात नहीं। मेरी ये दुख भरी कहानी सुन के भी मैडम को दया नहीं आया मुझ पर, देखो प्राइमर घिसे ही जा रही है। बट छोड़ो, मुझे इससे क्या, इनके पास प्राइमर है यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अभी वो अप्लाई कर रही है बेस मेकअप, वो भी एक ब्रश की मदद से, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि वर्ल्ड मेकअप आर्टिस्ट मेरा क्या हाल करती है, कोई ट्रैक्टर चला देते हैं, कोई बर्तन माँजते हैं, कोई क्या पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, मैं तो खुद ही भूल गई। तो जो भी हो, इस बार मेरे साथ अच्छा होने वाला है, तो यही मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। अच्छा अच्छा बोलते ही देखो क्या किया, मेरे आईब्रोज पे भी इन्होंने बेस मेकअप अप्लाई कर दिया। मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे ब्रोज तो है ही नहीं। सो अभी वो अप्लाई कर रही है कंसीलर, अब शायद इन्होंने गलती से इतना ज़्यादा कंसीलर लगा दिया, या फिर वो खुद कंसीलर बनाती है इसीलिए इतना लगा दिया, पता नहीं, बट इतना ज़्यादा कंसीलर कौन लगाता है यार। अब पता नहीं ये ब्लेंड कब होगा, ये ब्लेंड होते 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 शादी की मुहूर्त निकल जाएगी, मेरे हस्बैंड को किसी और के साथ शादी करवा देंगे लोग, मैं जाऊंगी तब देखेंगे सब कुछ खत्म हो गया, फिर मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, मेरे सारे दांत गिर जाएंगे, उसके बाद भी ये ब्लेंड नहीं होगा। सब कुछ टाइम पे हो भी गया तो फिर क्या फ़ायदा, मैं इस हालत में जाऊंगी तो कोई मुझे पहचानेगा नहीं, सोचेंगे कि कौन सफ़ेद चुड़ैल आ गई है यहाँ पे, मुझे मंडप से धक्का मार के लोग निकाल देंगे। सो अभी वो इस भूतिया चेहरे को सेट कर रही है कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ, और इस कॉम्पैक्ट पाउडर को लगाने के बाद आप लोग सब कुछ ओवरऑल लुक देखो मेरा, मतलब जोकर दिख रही हूँ मैं, पूरा जोकर। सो अभी वो मेरी आईब्रोज को, जो कि ऑलमोस्ट कवर हो गई थी सब कुछ, तो उसको अभी वो ड्रॉ कर रही है एक आई पेंसिल के साथ, जो कि दिखने में काफ़ी लिप लाइनर जैसा है, सो आई डोंट नो वो क्या था। अच्छा कल तो मेरा रिसेप्शन है, तो कल का मेकअप तो आप कर सकते हो ना, मैंने तो दो दिन के लिए बुक किया था ना आपको। हाँ, कल तो मतलब शाम के टाइम पे ही होता है रिसेप्शन नॉर्मल, तो मैं अगर 3-3:30 बजे या फिर 4 बजे के बीच अगर आऊँ तो आप कर सकते हो ना अच्छे से। कल 4 बजे के बीच आपको तो पहले ही मैंने कहा था ना कि मैं 2 दिन करूँगी आपके पास मेकअप। ठीक है, इतना कमज़ोर दिमाग है इनका यार, कल ही मैंने इनको फ़ोन करके बताया था कि 2 दिन मुझे मेरा मेकअप करना है, तो बस आज ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कुछ पता ही नहीं उनको। ये फेस कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद नहीं हो गया आपको नहीं लग रहा है? एटा तो बेस मेकअप, एखोनो फाउंडेशन तो लगा ही नहीं। मुझे लगा ये फाउंडेशन है इसीलिए। अब मेरी क्या गलती है, किसी के पास तो बेस मेकअप होता ही नहीं, एक दो जन के पास ही होता है, इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि ये बेस मेकअप है या फिर फाउंडेशन। सो अभी इन्होंने स्टार्ट किया है आई मेकअप, वो भी येलो कलर से। अब जब भी मैं ये ग्रीन कलर की साड़ी पहनती हूँ तब लोग मुझे गार्डन बना देते हैं या फिर सब्जी वाली बना देती है, तो अभी देखना है कि ये क्या करती है मेरे साथ। तो चलो देखते देखते इनका भी यहाँ पे ग्रीन आ गया। अब ग्रीन साड़ी है, ग्रीन तो होना ही है, मतलब मुझे पता नहीं अंदर से पत्ता गोभी वाली फीलिंग्स आ रही है, मतलब येलो ग्रीन एंड उसके बाद
ओह माय गॉड, ये तो मतलब मिट्टी हो गया है यहाँ पे। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मिट्टी के ऊपर पत्ता गोभी जो है वो उग गया है, मतलब उगा है, उगाया गया है, जो भी हो। बट इन्होंने मतलब ब्लेंड का तो कोई नामो निशाना ही नहीं है यहाँ पे। अगर थोड़ा बहुत ब्लेंडिंग कर देती तो अच्छा लगता, बट नहीं, इन लोगों को तो यही प्रॉब्लम है कि ये लोग कुछ सीखते भी नहीं है और दूसरे जब इनको सिखाने की कोशिश करते हैं तब दो चार बातें सुना देते हैं उनको। अच्छा, ये आयशा तो चारों तरफ फैल गया है, मतलब आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है इसका? कुछ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसका कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। আমি লাস্টে সব কিছু ঠিক করে দেব, এত চিন্তা করার কোনো দরকার নেই, তুমি চুপচাপ বসো। हां हां, घुसा दो उंगली मेरी आंखों के अंदर, अंधी बना दो मुझे जिंदगी भर के लिए, तब तुम्हें शांति मिलेगी। अंधी बनाने का काम जब इन्होंने खत्म किया, उसके बाद वो आगे फाउंडेशन लगाने के लिए उस ब्रश की मदद से। मेरी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि इनके पास एक ब्रश है, अदरवाइज अगर इनके हाथों में मेरी ये फेस आ जाती ना तो इसको खींच के वो वहाँ पे लगा देती, वहाँ को उसको खींच के यहाँ पे लगा देती, मतलब नेचुरली सर्जरी वगैरह वो कर ही देती, तो मुझे वो नहीं चाहिए। तो जो भी हो, थैंक यू इसके पास ब्रश होने के लिए। सो ये आ गया इनका स्पेशल निंजा टेक्निक, मतलब आप तीनों चार कलर जो भी आपको पसंद है आप मतलब लगा लीजिए, उसके बाद एक ब्रश से मतलब आई कॉर्नर के पास से ऐसे करके एक बार ऐसे मतलब ये घुमा लीजिए ब्रश और हो जाएगा एकदम ब्लेंड और चकाचक। सो ये है निंजा टेक्निक, इसको सभी अप्लाई करना। स्माइल करो। मैं स्माइल करके क्या करूँ? स्माइल तो लोग करेंगे जब मुझे देखेंगे बाहर, मतलब जोकर बना दिया पूरा, और ये चुटकी जैसे लाल लाल टमाटर गाल भी बना दिया। मतलब ब्लशर बहुत ही ज़्यादा नहीं लगा दिया, मतलब इतना ब्लशर क्यों लगाया आपने? আমার কি আমার কাজটা করতে দাও, তুমি একটু চুপচাপ বসো, আমি তো বলেছি সব ঠিক করে দেব। पता नहीं ये मेरे से ऐसे क्यों बात कर रही है, मतलब क्या इन्होंने कभी मेरा वीडियो देखा था? ऐसा कुछ होगा शायद, पता नहीं। बट जो भी मेकअप आर्टिस्ट के पास मैं जाती हूँ, उनका मेकअप जितना भी बुरा हो लेकिन उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा था, बट ये हद ही कर रही है। मतलब सच में इतना बुरा फील मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ, बहुत ही रूड है ये औरत। तो जो भी हो, अभी वो उसी ब्रश से मतलब हाइलाइटर लगा रही है, मतलब उसमें और जगह नहीं है, बेस मेकअप, फाउंडेशन, आई मेकअप और क्या है ब्लशर, और उसके बाद ये हाइलाइटर, मतलब ब्रश पूरा एकदम मेकअप से जम गया है, बट उसी से वो घिस रही है मेरे फेस के ऊपर। ऐसा लग रहा है जैसे कि दीवार पे ये पेंट कर रही है, लिटरली पेंट, पेंटिंग कर रही है दीवार के ऊपर। सो अभी वो अप्लाई करने वाली है आई लाइनर, बट तो चलो, इन्होंने काफ़ी अच्छे से आईलाइनर पहनाया, चलो कैमरा बंद करने का तो कुछ तो फ़ायदा हुआ। तो जो भी हो, उसके बाद इन्होंने एक बिंदी पहना दिया और उसके बाद होने वाला है मेरा कोलका, और यही सबसे स्पेशल चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कोलका पहनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो जो सब कुछ कर पाते हैं, बट इस चीज़ को वो लोग नहीं कर पाते हैं अच्छे से, और कुछ लोग हैं जिनको दोनों ही अच्छे से आते हैं। तो जो भी हो, अब देखते हैं कि ये क्या क्या उगाती है मेरी फोटो। चलो, अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, आई होप के उसके बाद भी सब कुछ ठीक ही चले। पिछली बार की तरह ये सब्ज़ी नहीं उगा रही है, यही मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। पर भाई, ये कहाँ का टावर है? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जियो का भी नहीं है, वोडाफोन का भी नहीं है, एयरटेल का भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ का है। आई थिंक ये कोई सांप होगा, आई थिंक मेकअप आर्टिस्ट ना नागिन शो बहुत ही ज़्यादा देखती है, इसीलिए पता नहीं सांप वाप क्या उगा रही है मेरी फोरहेड पे, पता नहीं यार, मतलब इतना भयानक कल का कौन करता है। अच्छा, ये ना मुझे ठीक अच्छा नहीं लग रहा है, देखिए आप, मतलब ये तो अच्छा लग रहा है फिर भी, बट ये वाला पता नहीं क्या हो गया, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ ना इसको साफ कर दीजिए। बोलते टाइम पास कर लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा साफ करने में, हो जाएगा आई थिंक। उफ, तुम्हार जो ना पूरा मेकअप टाइम नष्ट हो गया, हमें आबार करते होंगे। बिहेवियर देखो आप लोग इनका, मतलब इनसे ज़्यादा रूड औरत तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, हद है। बंद करो कैमरा, हमें काज करते दो। जी। तो जो भी हो, पोछा पोछी का काम जब भी हो गया, अभी वो अप्लाई करी है काजल, और मुझे डर लग रहा है कि ये औरत इतना ज़्यादा गुस्से वाली है कि मेरी आंखों के अंदर ना घुसा दे पूरा काजल, और आंखों के नीचे देखो फिंगरप्रिंट भी डाल दिया इन्होंने। सो अभी वो अप्लाई करी है लिपस्टिक, बहुत ही ढूंढने के बाद उन्होंने ये कलर चूज़ किया, और इस कलर को चूज़ करने का एक ही रीज़न है, वो ये है कि आंखों में जो पत्ता गोभी उन्होंने उगाया था, उसमें जो मिट्टी था, उस मिट्टी के साथ मेरी लिप्स को मैचिंग करने के लिए उन्होंने ये कलर चूज़ किया, और मैं बहुत ही ज़्यादा भयानक दिख रही हूँ इससे, ये कहने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। सो अभी वो अप्लाई करी है मस्कारा, और ये काफ़ी अच्छा मस्कारा था, क्या क्या था वो तो पता नहीं है, बट हाँ इसमें काफ़ी अच्छा ही लग रहा था। फिर उसके बाद ये जो चीज़ें, इसके लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, क्या है ये? इसको देने की क्या ज़रूरत थी, मतलब ऐसे ही ठीक रहता ना। इतना दिले भालो लगे देखते, ताई दिला।
घंटा भालो लगे देखते, क्या दे दिया यार तुमने ये, सच में इससे बेकार तो मैंने मेकअप लाइफ में नहीं देखा। सच में अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज इसको साफ कर दीजिए। यही अच्छा लग रहा है, मतलब इतना ही ठीक है, यहाँ पे अच्छा नहीं रहा, उसको साफ कर दीजिए। ठीक है, अच्छा। इन्हें खुद समझ में आ रहा था कि ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए बगैर चटर पटर किए वो इसको चुपचाप साफ कर दिया इन्होंने। अबे आप मतलब हेयर स्टाइल कर दीजिए, और हेयर स्टाइल मतलब बहुत ही सिंपल सा कर देना आप, ठीक है? वो सब कुछ मैं लेके आई हूँ, और आप बस हेयर स्टाइल में ज़्यादा कुछ मत करना, सिंपल सा एक कर दो आप। तो ऑलमोस्ट हो गया है, रेडी। तुम्हें चूड़ीगुलो नहीं आसो ना, चूड़ीगुलो पड़े ना। ओ चूड़ी वो सब कुछ घर पे जाके मैं पहन लूँगी। ठीक है, फिर आपका मेकअप हो गया, ठीक है, इसको फिर कर दीजिए आप। सो लास्ट में इन्होंने इतना ज्यादा मेकअप फिक्सिंग स्प्रे लगा दिया ताकि ये भूतिया जो मेकअप है वो जिंदगी भर मेरी शक्ल से चिपकी रहे। फिर हो गया ना सब कुछ मेकअप आपका? है। तो कितना देना पड़ेगा फिर मुझे? बोलेছিলাম যে এত দর ছিল তাহলে। बट मतलब उस हिसाब से देखिए 1000 में इससे भी बहुत ही अच्छा मेकअप होता है, तो मतलब उतना भी कुछ ये नहीं किया आपने, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा कम लेना चाहिए। ना मैं जेमन बोली तेमन ही कम लेना जाएगा ना। नहीं फिर भी मैं तो आपके पास रिसेप्शन का भी तो मेकअप करवाने के लिए आऊंगी ना कल। हां तो आप थोड़ा सा कम कर लीजिए ना, एक ही तो बात है। आगे जेमन को तो छिलो तेमन ही। ठीक है फिर मैं चलती हूँ, थैंक यू। सो गाइस दिस इज द फाइनल लुक, काफी भयानक लग रही हूँ मैं, इसको मैं खोल लेती हूँ। तो सो आप थोड़ा सा क्लोज लुक देख लो कि एक्चुअली ये जो लुक है वो कैसा लग रहा है। बिल्कुल भाग जाओगे, ये चूहे ला रही है मेरे पास। मैं किसको भेजी थी और कौन आ गई? अभी लुक बहुत ही भयंकर लगा मेरे को, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसे मेकअप वाले के जाया मत करो। नहीं बस इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है अंदर से। मैं इतना अच्छा अच्छा मेकअप, तो डर तो मैं जाता हूँ ना जब तुम घर आती हो, तो मैं डर जाता हूँ कौन आ गया अभी। अभी मैं मेकअप साफ करके आती हूँ तब पूरा ठीक हो जाऊंगा। ओके चलो। तो जो भी हो, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना, वरना घंटे नहीं मिलेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, चुड़ैल वाली किस्सी।